on selling a chair at 7% loss and a table at 17% gain, a man gains ₹296. If he sells the chair at 7% gain and the table at 12% gain, then he gains ₹400. The actual price of the table is, यानी हमने टेबल की एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर जो लॉस है नुकसान को इंडिकेट कर रहा है, जबकि गेन प्रॉफिट को यानी मुनाफा को इंडिकेट कर रहा है. तो इस स्टेटमेंट की क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट करें जो चेयर की प्राइस है वो एक्स है, जबकि जो टेबल की प्राइस है वो क्या है, वाई. तो इस क्वेश्चन पर जो सबसे पहला स्टेप है, ये सबसे मेन स्टेप है, इसको ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताया गया है, ऑन सेलिंग अ चेयर एट 7% लॉस, यानी 7% लॉस हुआ है, तो लॉस को हम माइनस से इंडिकेट करेंगे. एक्स 7% के साथ हम क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, क्योंकि चेयर की बात हो रही है, हमने चेयर को 7% लॉस पे सेल किया है. अब एंड अ टेबल एट 17% गेन, अब टेबल की बात हो रही है यानी वाई की बात हो रही है, और 17% गेन की बात हो रही है यानी प्रॉफिट की बात हो रही है. तो जब प्रॉफिट की बात होगी गेन की, तो हम प्लस करेंगे 17% गेन पे टेबल यानी वाई. तो अ मैन गेन्स ₹296, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे, टोटल 296. इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन वन. अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बताया गया, इफ ही सेल्स द चेयर एट 7% गेन. अब अगर वो चेयर को सेल करता है 7% गेन पे, 7% गेन पे, तो गेन के लिए हम प्लस यूज करेंगे चेयर को. अब वो 7% गेन पे सेल करता है एंड द टेबल एट 12% गेन, और टेबल को अब वो 12% गेन प्लस आएगा पे वो सेल करता है. टेबल के लिए हम वाई यूज करेंगे, चेयर के लिए हम एक्स. तो अब उसने कितना गेन किया, ₹400. तो 400 को हम यहाँ लिख लेंगे, दिस इज इक्वेशन टू. अब हम बोथ इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, साइंस चेंज है ना. तो जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस 7x और प्लस 7x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. अब यहाँ पर हमारे पास 17% और 12% कितना हो जाएगा, ये जमा होके 29% ऑफ वाई, और 296 और 400 कितना हो जाएगा हमारे पास 696. अब 29% को हम यूं भी लिख सकते हैं, 29% इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 100, वाई इज इक्वल टू 696. अब ये 100 उधर जाके 696 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 29 वाई 100. जब 696 से मल्टीप्लाई होगा तो 696, 100 के साथ दो जीरो होते हैं, तो 696 के बाद भी साथ भी दो जीरो आ जाएंगे. अब वाई के साथ हमने 29 को क्या करना है, ख़त्म करना है. तो बोथ साइड्स पे हम डिवाइड कर देंगे, 29 से कैंसिल हो गया. अब इसकी भी ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, तो आप डिवाइड कर लें, मैं कटिंग कर लेता हूँ शॉर्टकट वे से. 29 वन 29 29 2 58 होता है, 69 में से 58 गए, तो हमारे पास कितने रह गए, 11. 69 में से 58 गए, 11. अब ये वाला 6 भी इसके साथ आ जाएगा, तो 29 का टेबल 4 पे अगर हम करें तो पूरा 116 पे जा रहा है. अब ये वाले दो जीरो इसी तरह से आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 2400. y किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्राइस ऑफ टेबल. तो हमारे पास प्राइस ऑफ टेबल कितनी है, 2400. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.